गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड ऑल्सो वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस। तो अब हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और इसके बारे में, फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इतनी चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आई विल टीच यू अबाउट विटामिन्स। विटामिन क्या है, इसका फायदा क्या है। तो ऑल विटामिन्स जो है आर विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं, हमें बीमारी से लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत देते हैं। देयर आर सो मेनी वायरसेस, बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग जर्म्स ऑल ओवर इज फाउंड इन, दे आर फाउंड इन वाटर, एयर, सॉइल ऑल्सो। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स इट इंक्रीज आवर इम्यूनिटी पावर। ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, यानी हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कोई भी कीटाणु यदि हमारे बॉडी में आता है तो उससे लड़ने की ताकत हमें देते हैं। इट गिव अस पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज कॉजिंग जर्म्स, जर्म्स को ये मार देते हैं। तो व्हाई डू ऑलवेज डाइटिशियन और योर मदर सजेस्ट यू टू ईट लीफी वेजिटेबल्स, टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई व्हाई हमें क्यों ये सब चीज खाना चाहिए, बिकॉज दे गिव अस पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ओके, हमें हमेशा बैलेंस डाइट खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट बैलेंस डाइट, वी शुड ऑलवेज ईट लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सभी चीजें हमें खानी चाहिए। यदि मम्मी आपको कहती है दाल खाइए तो दाल खाइए, दूध पीना है तो दूध पीजिए, लीफी वेजिटेबल्स जरूर खाना चाहिए, हरी सब्जियां हमें जरूर खानी चाहिए, जितने भी फ्रूट्स हैं फ्रूट्स जरूर खाना चाहिए। जो बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रेन हैं, जिनका भी ग्रोथ हो रहा है हम लोग का भी, तो ये सभी चीजें हमें जरूर खाना चाहिए। नहीं कि हम दाल नहीं खाएंगे, हम दूध नहीं पियेंगे, हम ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे। जंक फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, अच्छा लगता है लेकिन उसे कम खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खा लीजिए। बट ये सब चीजें जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑल टाइप ऑफ फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स विच इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ प्रोसेस, फॉर आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो देखिएगा कुछ बच्चे जो है जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वाई, क्यों जल्दी बीमार पड़ते हैं, कुछ बारिश में भीगेंगे, धूप में खेलेंगे तो भी बीमार नहीं पड़ते हैं, और कुछ जो है बच्चे थोड़ा सा बारिश में भीगे तो छींकने लगे, खांसने लगे, फीवर हो जाता है, या धूप में घूमेंगे तो सिर में दर्द होने लगता है, कुछ खाएंगे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं है। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे इम्यूनिटी पावर जैसे अधिक होगा तो ये जो कोरोना जो जर्म्स जो है वायरस ये अटैक नहीं करेगा, या उसका कोई भी जो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। तो इम्यूनिटी पावर मतलब हमारे अंदर ताकत होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। किस चीज के लिए, तो जो बीमारी जो है डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो है उससे लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत होना चाहिए। और ये ताकत आएगा कहाँ से, तो हम सभी चीजें जब प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स। यानी हम हर एक चीजों को खाएंगे तो इसमें बैक्टीरिया, विटामिन्स और मिनरल्स ये क्या है, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कार्बोहाइड्रेट मैं आपको बताई थी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड। जैसे हम रोटी खा
खाते हैं, चावल खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, जितनी ग्रेन्स जो है सीरियल्स अनाज खाते हैं, तो वो एनर्जी देता है, ताकत देता है। सुबह से शाम तक हम जितना काम करते हैं, सब काम को करने के लिए हमारे लिए ताकत चाहिए। आप स्कूल पढ़ने आते हैं, चल के आते हैं, साइकिल चला के आते हैं, या सुबह से शाम तक सभी लोग जितना काम करते हैं, सबको एनर्जी यानी ताकत चाहिए। तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, फैट से मिलता है, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है, मसल्स बनाता है, हमारे जो है ग्रोथ है डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और विटामिन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, विटामिन मिनरल्स, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। और ये किस चीज में पाया जाता है विटामिन, ये आप हो गया कोड नंबर 3 बताए थे, मिनरल्स। ये दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, इट गिव अस पावर, इट इंक्रीज आवर इम्यूनिटी पावर। ओके, अभी प्रोटेक्टिव फूड विटामिन, देर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। और फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, विटामिन जो है और मिनरल्स, ये हमें एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। देर आर टू सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, एनिमल्स एंड प्लांट सोर्सेज। एंड विटामिन आर, देर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल क्या है और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, ई, डी एंड के, ठीक है। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन सी एंड विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स आप देखिएगा कि टॉनिक आता है बी कॉम्प्लेक्स का, क्या है बी कॉम्प्लेक्स, इसमें बी जो है वो बहुत टाइप का होता है विटामिन बी, वो सभी एक साथ उसको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन इज द विटामिन विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी नाइन एंड बी ट्वेल्व। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन। इट कंटेन विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी नाइन एंड बी ट्वेल्व। एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन के। अब ये सभी विटामिन किस फूड आइटम में पाया जाता है, क्या चीज हम खाएंगे कि हमें विटामिन मिलेगा, तो ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दे हैव विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यदि आप खाइएगा तो हमारे बॉडी में क्या जाएगा, विटामिन जाएगा, मिनरल्स जाएगा। तो जितने फ्रूट्स हैं, जितने वेजिटेबल्स हैं, सभी हमें खाने चाहिए, क्योंकि सब में विटामिन मिलता है। विटामिन का बहुत सारा टाइप है, जैसे आपने देखा विटामिन ए, विटामिन ई, डी, की, के, सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स में ये सब पाया जाता है। तो हमें हर तरह का लीफी वेजिटेबल्स, येलो जो है फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स खाना चाहिए। और सभी तरह के हमें कुछ इसमें नॉन वेज भी है, जैसे कि एनिमल सोर्सेज भी है विटामिन का, एग, मीट, फिश, ये सब लेना चाहिए, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क इज कॉल्ड द कंप्लीट फूड, क्योंकि आप देखिएगा हर एक चीज जो है, जितने न्यूट्रिएंट्स है सभी जो है वो मिल्क में पाए जाते हैं। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। तो इसमें आप लोग जो है इतना जानते हैं मिनरल्स,
अब इसमें मैं आप लोग बताऊंगी विटामिन ए जो है वो किस फूड आइटम में पाया जाता है, ई किस में पाया जाता है, डी एंड के किस में पाया जाता है, और फिर इसको खाने से फायदा क्या है, नहीं खाएंगे तो कौन सी बीमारी हमारे अंदर होगी, फंक्शन एंड डिजीज ऑल्सो। इसका एक टेबल बना के मैं आप लोगों को बताऊंगी। विटामिन ए, विटामिन ए हमें क्यों जरूरी है, तो विटामिन ए से क्या होता है, ये हमारे स्किन हमारे आईज के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई ये हमारे बॉडी के लिए जो ये जरूरी है, और विटामिन डी, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए जरूरी है। विटामिन डी किस लिए जरूरी है, इट कीप आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। विटामिन ई जो है ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन ए को। विटामिन के, विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे कुछ कट जाता है वहां से ब्लड बहने लगता है तो फिर कुछ देर बाद देखिएगा ब्लड का थक्का जम जाता है, क्लॉट कर जाता है, तो ये विटामिन के इसमें हमें हेल्प करता है इसमें ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे विटामिन के फंक्शन है। विटामिन ई क्या करता है, इट मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। विटामिन सी की ब्लड वेसल्स, विटामिन सी का क्या काम है, ये ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन सी किसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, टीथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन बी जो है ये हेल्प करता है हमारे नर्व्स एंड मसल्स पावर, नर्व्स एंड मसल्स बी जो है इसका क्या काम है, ये नर्व्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये होता है इसका फंक्शन। अब ये किन चीजों में पाया जाता है तो इसका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नाउ मिनरल्स, मिनरल्स जो है ये भी बहुत तरह के होते हैं मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक, तो ये सब मैग्नीशियम, ये जो है मिनरल्स कहलाते हैं। और मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारे नर्व्स के लिए, नर्व्स का जो फंक्शन होता है या हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है। और ऑल मिनरल्स आर फाउंड इन ऑल्सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। और मिनरल्स भी जरूरी है, मिनरल्स हमारे नर्व्स के लिए और हमारे मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। और ये होता क्या है, और लीफी, इन लीफी वेजिटेबल्स, इन आयोडाइज सॉल्ट, फिश, सी फूड्स, फ्रूट्स, सभी तरह के फ्रूट जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब में मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, साथ में ये एग में भी पाया जाता है, इट ऑल्सो फाउंड इन एग, इन फिश, ओके, इन मीट ऑल्सो। तो ये मिनरल्स और विटामिन क्या हो गए, दे आर प्रोटेक्टिव फूड, ये हमें हेल्प करता है बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। मिनरल्स आर, देर आर टू टाइप ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमें अधिक मात्रा में हमें खाना है वो मेजर मिनरल्स कहलाता है, एंड जो कम चाहिए, एकदम थोड़ा मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए, इन स्मॉल अमाउंट, वो हो गया ट्रेस मिनरल्स। तो मेजर मिनरल्स जो है वो क्या, हमारे बॉडी में जो एकदम ज्यादा मात्रा में चाहिए वो हो गया मेजर मिनरल्स, और ट्रेस मिनरल्स जो कि हमें कम मात्रा में चाहिए। मेजर मिनरल्स में जैसे हो गया आपको कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो है हमें अधिक मात्रा में चाहिए। ठीक है, और कम मात्रा में हमें क्या चाहिए, जैसे कि आयोडीन जो है ये कम चाहिए हमें, आयरन कम मात्रा में चाहिए, कॉपर कम मात्रा में चाहिए, उसके बाद में जिंक है, कोबाल्ट है, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, कॉपर, आयरन, ये हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये जो मिनरल्स है ये देयर आर टू टाइप ऑफ मिनरल्स, मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। तो ये मिनरल्स का टाइप हो गया, और मिनरल्स भी हमें चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड है, ये भी हमें बीमारी से लड़ने में हमें ताकत देता है। तो विटामिन ए, विटामिन ए किन चीजों में पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है ये पाया जाता है ऑरेंज,
राइट येलो फ्रूट्स, जितने येलो फ्रूट्स होते हैं पके हुए फल जो होते हैं जैसे मैंगो, बनाना, ठीक है, ऑरेंज, इसमें विटामिन ए जो है पाया जाता है, कैरोट, पम्पकिन, विटामिन ए उसमें पाया जाता है। उसके बाद में है विटामिन बी जो है वो हस्क ऑफ राइस, मिल्क प्रोडक्ट, ब्रोकोली, लीफी वेजिटेबल्स, इसमें पाया जाता है, फिश में भी पाया जाता है। विटामिन सी जो है जितने साइट्रस फ्रूट है, जो खट्टे फल है उसमें पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे कि ऑरेंज में पाया जाता है, आपको ऑरेंज खट्टा होता है, लेमन, लाइम, आंवला, तो ये जो खट्टे फल है पाइन एप्पल, उसमें क्या पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक बढ़ाता है। तो आजकल जैसे कहा जा रहा है ना कि खूब ऑरेंज खाइए, नींबू का शरबत पीजिए, क्यों, विटामिन सी उसमें होता है। विटामिन सी क्या करता है, इट इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी पावर, और किस लिए जरूरी है, हमारे गम्स के लिए, टीथ के लिए जरूरी है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रांग बनाता है। तो ये विटामिन सी हो गया। देन विटामिन डी, विटामिन डी जो है फिश, एग, लीवर, मशरूम, बहुत सारी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है सनलाइट। मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है उसमें यदि हम थोड़ा सा बैठे तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक विटामिन डी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो विटामिन डी कम हो गया। उसके बाद में विटामिन जो है वो ई, वेजिटेबल ऑयल्स, कितने वेजिटेबल ऑयल्स हम लोग खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, या कोकोनट ऑयल हो गया, या सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स ऑयल कहलाता है। ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या नट्स फ्रूट जो होते हैं उसमें क्या होता है विटामिन ई होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उसमें तो सभी चीज़ें पाई जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं, वो हमें जरूर खाना चाहिए, फ्रूट्स में, मिल्क में, एग में भी। तो ये विटामिन का सोर्स हो गया। विटामिन के, विटामिन के भी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, या योग, एग का जो योग होता है उसमें पाया जाता है विटामिन के। विटामिन के उसके अलावा जो है लीवर, यानी जो हम लोग लीवर कलेजी जो खाते हैं वो उसमें हो गया। स्पाइनिज, स्पाइनिज में ये विटामिन के का हो गया आपका, किस चीज में पाया जाता है, हेल्प किस में करता है, ब्लड क्लॉटिंग में करता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, यदि कटेगा कहीं पे, एक्सीडेंट हुआ, किसी का ब्लड निकल रहा है, विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, लगातार ब्लड बहते जाएगा, तो उसे डेथ भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है। लेकिन विटामिन के जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, सभी विटामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। जितने तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, फिश, मीट, मिल्क, ये हम लेंगे तो विटामिन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक आ जाएगा और हमारे शरीर की जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमें बीमारी नहीं होगा, बीमारी होने का एक ये कारण है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और ये विटामिन का टाइप्स हो गया। यहाँ पर मिनरल्स, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रफेज के बारे में, व्हाट इज रफेज, रफेज किसको कहते हैं। मिनरल्स विटामिन के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, और ये रफेज का क्या काम है, इसको डाइट्री फाइबर भी कहते हैं। रफेज को क्या कहते हैं, डाइट्री फाइबर। इसके बाद में रफेज, रफेज डाइट्री फाइबर भी कहा जाता है। रफेज जो है ये जिससे कि बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या स्प्राउट जो हम लोग अंकुरित अनाज खाते हैं उसमें पाया जाता है, एंड इट डज नॉट डाइजेस्ट, रफेज को डाइजेस्ट नहीं होता है, बट ये हेल्प करता है हमारे बाउल मूवमेंट में और टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी, इट प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, बॉल मूवमेंट, बॉल मूवमेंट क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो खाना खसकते हुए फूड पाइप से खसकते स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्टमक में आता है, स्टमक से फिर वो खसकते हुए कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो खसकते हुए जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिर इस तरह से जो ये मूवमेंट
मूवमेंट होता है, एक जगह फूड स्थिर नहीं रहेगा, वो खसकते जाता है नीचे की तरफ। तो हमारी इंटरनल ऑर्गन में एक तरह का मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को बॉल मूवमेंट कहते हैं या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, जो आप जो है सीनियर क्लास में पढ़िएगा कि किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इसको पढ़ना है। तो रफेज जो है इसका क्या काम है, ये बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी खाना जो हम खाते हैं फूड दैट वी ईट, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड। ये फूड को जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, और उसके अलावा जो है ये हमारे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है वो इजीली हमारे बॉडी से बाहर निकल सकता है। यदि हम रफेज इस सलाद के रूप में हम खाएंगे, तो फिर सलाद हमें जरूर खाना चाहिए। सैलेड खाने से क्या होता है कि हमारा जो है वो पेट साफ रहेगा, सही रहेगा, पेट में दर्द कभी नहीं होगा, फूड जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका रफेज के बारे में। रफेज ऑल्सो टू टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। कुछ रफेज जो है वो सॉल्युबल होते हैं और कुछ जो है इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल रफेज जैसे कि हो गया हम टोमेटो खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो ये सॉल्युबल रफेज हो गया। कुकुम्बर खाते हैं तो ये फाइबर से पी खाएंगे, सोयाबीन, ओट्स, ये सॉल्युबल रफेज हो गया। इनसॉल्युबल रफेज जैसे कि होल ग्रेन्स खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, ठीक है, ये टोमेटो, कैबेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो हो गया इनसॉल्युबल रफेज, जो कि क्या चीज में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में, यानी कब्जियत नहीं हो पाती है, फूड अच्छी तरह से हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव हो जाता है। तो ये हो गया रफेज। किसने पाया जाता है ये भी जो है, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओके, होल ग्रेन्स सब में पाया जाता है, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो रफेज, रफेज के बाद में जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, वाटर। देयर आर 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। देयर इज 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। वाटर इज वेरी सेंसिटिव फॉर अस, because it absorbs the nutrients, it helps as a means of transport in our body. यानी कि जो हम खाने खाते हैं तो ये क्या करता है, it helps as a means of transport in our body. Rough water, it also helps for the excretion of waste material from our body. हमारे body में जितना waste material बनता है as in the form of sweat and in the form of urine, it excreted from our body with the help of water. Water हमारे body को cool भी करता है, it also maintain our body temperature. Body के temperature को भी maintain करता है water। हमारे body में nutrients को एक organ से दूसरे organ में ले जाने का काम करता है, यानी कि transportation का भी काम करता है। तो water जो है, हम लोग जितना भी fruits खाते हैं या vegetables खाते हैं, सब में water रहता है। जो हमारा food जो cook होता है घर में, उसमें भी water की मात्रा रहती है। Water is very essential for our all life process, to do all the function, our body functions. Water is very essential for us. और ये जो है हमारे हर एक food item में रहता है, fruits में, vegetables में, cooked food में. It acts as a means of transport. It helps us to cool our body, maintain the body temperature. It also helps in the excretion of waste material from our body. Okay? ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बताऊंगी, बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज, और ये विटामिन्स का टेबल बना के बताऊंगी कि इसको फंक्शन, डिजीज एंड सिम्टम। ओके, हैव अ नाइस डे।